जो डीएनए या आरएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, मतलब दोनों में, चाहे हम डीएनए पढ़े आरएनए पढ़े, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या चीजें हैं? एक नाइट्रोजन का बेस है, एक सुगर और एक फॉस्फेट। तो आप पहले सुगर को समझ लें, सुगर की दो हालत है, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है और आरएनए है तो राइबोस शुगर है। ये कंफर्म हो गया, शुगर को लेकर एकदम रिलैक्स हो जाइए कि डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, आरएनए है तो राइबोस शुगर है। अब आइए बेस पे बात करते हैं। डीएनए और आरएनए में एडिनिन ग्वानिन कॉमन है, पूरा कॉमन है, ये भी कॉमन है, साइटोसिन भी कॉमन है, तो डिफरेंट क्या है? थायमिन जगह प्यूरेसिन आ गया। तो अगर आपसे कोई कहे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है, तो अगर आपसे पहली बात तो आप ये समझ जाए कि जब नाइट्रोजन का बेस इस शुगर से जुड़ जाता है, नाइट्रोजन का बेस इस शुगर से जुड़ जाता है, नाइट्रोजन का बेस अगर जब शुगर से जुड़ता है, हम आपको उसका डिटेल पढ़ाते हैं, तो इसे हम लोग राइबो, इसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये बात समझिए कि नाइट्रोजन का बेस जब शुगर से जुड़ जाता है तो इसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। हम आपको बहुत ही बेसिक बात पढ़ा रहे हैं इस सब्जेक्ट का, इसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये देखिए, मतलब अगर नाइट्रोजन का बेस शुगर से जुड़ गया तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। मान लीजिए नाइट्रोजन का बेस डीऑक्सीराइबो शुगर से जुड़ गया, यहाँ पर डीऑक्सीराइबो शुगर है तो डीएनए मिल रहा है, तब इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। लेकिन नाइट्रोजन का बेस अगर राइबोस शुगर से जुड़ गया तो आप कहेंगे सर इसका नाम राइबो न्यूक्लियोसाइड है। तो मतलब अगर आपको ये बात समझना, और ये न्यूक्लियोसाइड जब हमारे इस फॉस्फेट से जुड़ जाता है, न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट से जुड़ जाता है तब इसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पहली बात आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इन चीजों में डिफरेंस समझें। नाइट्रोजन का बेस जब शुगर से जुड़ जाएगा तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और ये न्यूक्लियोसाइड जब फास्फेट से जुड़ जाएगा तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। साइटोटाइड में डिफरेंस फास्फेट का है। फिर से मैं कंफर्म करा देता हूं कि अगर नाइट्रोजन का बेस शुगर से जुड़ गया तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और अगर न्यूक्लियोसाइड फास्फेट से जुड़ गया तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पर कोई कहे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजन का बेस किस शुगर से जुड़ जाए? डीऑक्सीराइबो शुगर से जुड़ जाए। राइबो न्यूक्लियोसाइड क्या है? जब नाइट्रोजन का बेस राइबो शुगर से जुड़ जाए, तो राइबो न्यूक्लियोसाइड जब राइबो शुगर से जुड़ जाए नाइट्रोजन का बेस, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड जब राइबो नाइट्रोजन का बेस डीऑक्सीराइबो शुगर से जुड़ जाए, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड शुगर के नाम पर ही साइड का नाम है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन का बेस डीऑक्सीराइबो शुगर और फास्फेट से जुड़ा हुआ है, यह मतलब हुआ इसका। राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड सब कहेंगे जब नाइट्रोजन का बेस राइबो शुगर से और फास्फेट से जुड़ा है तब उसे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, और न्यूक्लियोटाइड कब कहेंगे? नाइट्रोजन का बेस शुगर और फास्फेट जब आपस में जुड़ जाते हैं। ये बात आपको समझनी है। अगर हम इसका ऐसे डिटेल बनाएं, इसका डिटेल बनाएं कि हमारे पास कौन कौन से बेसिस हैं, तो एक बात देखिए, ये है हमारा नाइट्रोजन का बेस। हम आपको एक टेबल बना के सिखाते हैं। ये है नाइट्रोजन का बेस। आपने कहा जी सर नाइट्रोजन का बेस है, हमने कहा ये भाई शुगर है, आपने कहा चलिए भाई हमने ये भी मान लिया शुगर है, और हमने कहा ये है फास्फेट। तो अब आप देखिए कैसे इनके नाम रखे जाते हैं। नाइट्रोजन का बेस है ये, तो नाइट्रोजन का बेस तो छोटा ही होगा, तो नाइट्रोजन का बेस आप ऐसे समझिए कि नाइट्रोजन का बेस जब शुगर से जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का बेस अगर शुगर से जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और अगर ये न्यूक्लियोसाइड फास्फेट से जुड़ गई तो आपने इसका काम क्या नाम लिखा है? इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये बात आप समझिए पहले। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के बेस कितने हो सकते हैं, फिर शुगर हो गया और फास्फेट जोड़ने पर उसका नाम क्या हो जाता है? टाइड हो जाता है। तो नाइट्रोजन के बेस सबसे पहले है एडिनिन है, ये माने क्या है? ये एडिनिन है, चाहे पूरा नाम लिख लीजिए कि पहला जो है उसको हम लोग एडिनिन कहते हैं, दूसरी जो है उसका नाम क्या है? ग्वानीन है। हम आपको इसका फिगर बना के सिखाते हैं। ग्वानीन है, फिर कौन सा है? साइटोसिन है, फिर कौन सा है? थायमिन है। तो अगर ये चार नाइट्रोजन के बेस हैं, चार नाइट्रोजन के बेस हैं, तो ये डीएनए के हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर यूरेसिल लिख दिया तो आरएनए का है। आपकी एनसीईआरटी ने डीएनए और आरएनए दोनों के जो नाम नेम है उनको एक साथ बनाया हुआ है। हम भी वही कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का बेस जैसे एडिनिन है, तो अगर एडिनिन यहां देखें, अगर ये एडिनिन इस डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ गया, ध्यान दें, अगर ये एडिनिन डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ गया, क्योंकि यहां पर शुगर में मैंने कंफर्म नहीं किया है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर या राइबोस शुगर है, तो अगर एडिनिन डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ गया, ये जो एडिनिन है, ये आपका ग्वानिन है, ये आपका साइटोसिन है, ये थायमिन है, और ये यूरेसिल है।
तो ये एडिनिन, यहाँ पर नाइट्रोजन का बेस अगर एडिनिन है और यहाँ पर शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, तो इस एडिनिन का नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन नाम हो जाएगा। जब ये जुड़ेगी किससे, किस शुगर से, राइबो शुगर से, तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। लेकिन जब ये राइबो शुगर से जुड़ेगी तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। मतलब अगर एडिनोसिन लिखा गया है या राइबो एडिनोसिन, तो डीऑक्सी एडिनोसिन लिखा गया तो ये डीएनए के लिए लिखा गया है, क्योंकि यहां पर देखिए नाम क्या आगे डीऑक्सी टर्म लगा दिया। यहां शुगर कौन सी ली गई होगी, डीऑक्सी टर्म शुगर ली गई होगी, डीऑक्सी राइबो शुगर ली गई होगी। लेकिन अगर आपने एडिनोसिन लिखा है इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन के बेस के साथ राइबो शुगर जुड़ी है, तो राइबो शुगर की जुड़ी है तो ये कौन सा है, राइबो न्यूक्लियोटाइड है, और ये कौन सा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है। नाम क्या आगे डीऑक्सी लगा दिया, कौन सा शुगर है, डीऑक्सी राइबो शुगर है। नाम क्या आगे डीऑक्सी नहीं लगा है तो राइबो शुगर है। जब राइबो शुगर जुड़ेगी तो आरएनए बनेगा, और जब डीऑक्सी राइबो शुगर जुड़ेगी तो डीएनए बनेगा। इसी तरह से अगर आप इसका नाम देखिए तो इसका पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। तो अगर आपसे कोई पूछे डीऑक्सी ग्वानोसिन क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा या आरएनए बनाएगा, तो आप कहेंगे सर ये डीएनए बनाएगा। लेकिन अगर ये राइबो शुगर से जुड़ जाए, बल्कि मैं पिन चेंज कर देता हूं, राइबो शुगर से जुड़ जाए ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा ग्वानोसिन केवल नाम हो जाएगा। तो अगर ग्वानोसिन है तो ये आरएनए बनाएगी, लेकिन डीऑक्सी ग्वानोसिन है तो ये डीएनए बनाएगी। शुगर के नाम के आगे साफ साफ बता रहा। इसी तरह से आप ये देखिए, यहां देखिए अगर साइटोसिन है शुगर से जुड़ गई तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी साइटोसिन। ये देखिए डीऑक्सी साइटोसिन तो क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा, मतलब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अगर इसका नाम साइटिडीन हो जाए, यहां देखिए अगर इसका नाम साइटिडीन हो जाए तब ये डीएनए बनाए, आरएनए बनाएगी। साइटिडीन हो जाए तब ये आरएनए बनाएगी, मतलब इसमें ये आरएनए व्हाइट वाले बनाएंगे और ये जो वाले हैं ये डीएनए बनाएंगे। इसी तरह से थायमिन का देखिए, अगर ये थायमिन है, डीएनए बनाना है इसको, तो थायमिन है तो ये हो जाएगा थायमिडीन हो जाएगी, या थायमिडीन कह सकते हैं आप, थायमिडीन हो जाएगी। और ये देखिए ये यूरिडीन हो जाएगी। तो ये जो है यूरिडीन है, ये जो है ये तो डीएनए बनाएगा, ये आरएनए बनाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ने क्या किया है कि आपको पढ़ाया कि नाइट्रोजन के बेस से शुगर जुड़ गई, तो उसने ये नहीं कहा कि डीएनए और आरएनए, दोनों को अलग अलग लिखा। आर के आगे जो लिखा है वो आरएनए का, और आर के पहले जो लिखा है वो डीएनए के लिखा है। मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटोसिन, थायमिडीन, ये डीएनए बनाएंगे। लेकिन एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन ये आरएनए बनाएंगे, ये बात आपको समझनी है। तो जो ये डीऑक्सी वाले हैं ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं, और ये जो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन और साइटिडीन और यूरिडीन है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये बात आपको समझनी है। और अगर आप यहां देखिए तो ये जो है ये साइड हो गए। अब इनमें फास्फेट आप फटाफट जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेंगे इसका, अगर आपको लिखना, मान लीजिए डीएनए का लिखता हूं मैं, तो ऐसे लिखेंगे डीए, देखिए डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर इसका पूरा आप नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे, काफी बड़ा हो जाएगा, आप चिंता मत करें। अगर मैं केवल डीएनए का लिखता हूं डीऑक्सी, ये देखिए एडिनोसिन मोनोफास्फेट, क्योंकि फास्फेट तो आपने एक ही लगाया ना भाई, डीऑक्सी एडिनोसिन कितने फास्फेट, मोनोफास्फेट। तो अगर आप मोनोफास्फेट आपने लिखा है, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, आपको घबराना नहीं है। अगर आपको उसका एब्रीविएशन लिखना तो और बड़ा हो जाएगा, एब्रीविएशन माने शॉर्ट फॉर्म। तो अगर आप इसका एब्रीविएशन लिखते हैं तो ये देखिए यहां डी लिख दिया तो डीएनए के लिए बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। तो अगर आपने यहां डीऑक्सी टर्म लिखा है तो ये डीएनए के लिए लिखा आपने, अगर आरएनए होता तो यहां डी की जगह पे आर हो जाता, राइबोन्यूक्लियोसिन मोनोफास्फेट। अगर यहां पर डी लिखा है तो डीएनए के लिए लिखा गया, डीऑक्सी या डी जो है शुगर को बता रहा है, डीऑक्सी राइबो शुगर के बारे में बता रहा है। दूसरा देखिए, हम केवल डीएनए का लिख रहे हैं, आरएनए का नहीं लिख रहे हैं। ये देखिए इसका नाम आप लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए डीऑक्सी, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ये देखिए मोनोफास्फेट, क्योंकि फास्फेट तो आप एक ही जोड़ रहे हैं ना भाई, मोनोफास्फेट। तो अगर आप फास्फेट एक जोड़ रहे हैं तो आपने यहां पर लिखा है किसका नाम हो जाएगा, डीजीएमपी। हम केवल डीएनए लिख रहे हैं, आरएनए नहीं लिख रहे हैं, या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ऐसे यहां पर आप देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा देखिए डीऑक्सी, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफास्फेट,
साइटिडीन साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, आपको बार बार मोनोफॉस्फेट लगाना है, मोनोफॉस्फेट लगाना है तब ये देखने में सही लगेगा। आप इसको कहेंगे ये डीसीएमपी है। और ये देखिए ये थायमिडीन जो है ये थायमिडलिक एसिड बन जाएगा, या डीऑक्सी कह सकते हैं, थायमिडलिक एसिड बन जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे ये डीटीएमपी है। तो हमने जो है ये लिखा है, ये समझना है। तो अगर आपको डीएनए बनाना है तो आप कौन सी शुगर जोड़ेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर जोड़ेंगे। नाइट्रोजन का बेस कौन कौन सा लेंगे, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन। और अगर आपको आरएनए बनाना है तो यहाँ शुगर कौन सी लेंगे, राइबोज शुगर। और यहाँ पर तीन बेस कॉमन होंगे, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन कॉमन होंगे, थायमिन जगह पर यूरेसिल आ जाएगी। अब इस बात को हम लोग फिगर से समझते हैं। जब कभी आप डीएनए बनाते हैं तो डीएनए सिंपली आप ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे, आपने कहा सर ये डीएनए हमारा है, आपने कहा सर ये डिस्टोरेटरी है, आपने इसके बीच में ऐसे कोई बात फटाफट नोट कर दी, मतलब आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया कि हम डीएनए बना कैसे, ऐसे फटाफट बना देते हैं। लेकिन एक्चुअली ये डीएनए नहीं है जैसे हम लोग बनाते हैं, ये डीएनए सही है या गलत है ये बाद में देखेंगे, हम ये डीएनए बाद में देखेंगे। बस अभी सबसे पहले आप ये समझना शुरू करें कि डीएनए में ये जो तीन चीजें हैं, फास्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजन का बेस है, ये अरेंजमेंट कैसा है। सबसे बाहर फास्फेट का मॉलिक्यूल है, सबसे बाहर जो है वो फास्फेट का मॉलिक्यूल है, आप ये समझिए। इधर भी किसका होगा, फास्फेट सबसे बाहर होगा, तो ये आपको समझना है। तो आप ये फास्फेट के मॉलिक्यूल बाहर बाहर पड़े, एक फास्फेट और बना देता हूं मैं, मतलब आपको ये समझना है कि जब आप डीएनए ये ऐसे खींचते हैं तो इस ये जो इसकी बैकबोन है इसका मतलब क्या हुआ। इसकी अगर हम बैकबोन की बात करें बेटा, तो ये देखिए इस फास्फेट से शुगर जुड़ा हुआ है, ये देखिए फास्फेट से कौन जुड़ा है, शुगर जुड़ा हुआ है। तो अगर आप फास्फेट से शुगर जोड़ रहे हैं तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बात को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहली बात आप ये बेसिक के बाद में इसको बना देता हूं, फिर हम लोग बात करते हैं। ये देखिए तो ये जो डीएनए की बैकबोन है, ये जो आप खींचते हैं डीएनए को, डीएनए की जो आप ये लाइन खींचते हैं, ये बैकबोन खींचते हैं, ये बैकबोन शुगर और फास्फेट की बनी है, ये कहने का मतलब हुआ। ये बात ध्यान देनी है आपको कि जो डीएनए में आप ऐसे ऐसे जो आपके यहाँ लैडर पड़ी है, जो सीढ़ी पड़ी है, उसके जो डंडे हैं वो जो डीएनए का बैकबोन है शुगर फास्फेट का बना हुआ है, ये बात आपको समझनी है। तो डीएनए का बैकबोन कौन बनाता है, यहां देखिए ये जो शुगर है और फास्फेट है, डीएनए में कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, फास्फेट है, ये डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, ये समझना है आपको। दूसरी बात ये समझनी है कि जो नाइट्रोजन के बेस है डीएनए में कौन कौन से है, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, ये चार नाइट्रोजन के बेस है, तो इनका अरेंजमेंट कैसा है आप इसे थोड़ा सा समझिए, फिर मैं आपको डिटेल समझता हूं। ए जो है टी के साथ जुड़ा है, टी जो है ए के साथ जुड़ा है, ऐसे ही देखिए हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए सी के ट्रिपल बॉन्ड है, और जिससे ये देखिए हाइड्रोजन के तीन बॉन्ड है। तो अगर आपसे मैं कहूं कि अगर यहाँ पर एडिनिन है तो इसका मतलब यहाँ पर थायमिन होगा। अब आप ध्यान से देखिए, वहां देखिए और यहां देखिए, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन का बेस, ये नाइट्रोजन का बेस एडिनिन है, ये समझिए, देखिए एडिनिन लिखा हुआ है, आप यहां बोर्ड पे देखिए, ये नाइट्रोजन का बेस एडिनिन है। फिर शुगर से कौन से जुड़ा है, शुगर अगर आप डीएनए बना रहे हैं तो शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। जब एडिनिन डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ा, तो एडिनिन जब डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ा तो आपने क्या कहा, इसका नाम क्या है, डीऑक्सी एडेनोसिन है। यहां देखिए एडिनिन जब शुगर से जुड़ा तो इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सी एडेनोसिन। और जब ये डीऑक्सी एडेनोसिन फास्फेट से जुड़ा तो इसका नाम हो गया डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एडिनिन शुगर से जुड़ा तो डीऑक्सी एडेनोसिन, और जब फास्फेट जुड़ा तो इसका नाम डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया। ये एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये एक चेन है जो बनी हुई है। इसी तरह से अगर आप देखिए, अगर आपने यहां पर वहां पर देखिए जी लिखा हुआ है, तो जी किससे जुड़ा है, जी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन से जी सी से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। तो देखिए जी जब शुगर से जुड़ा तो नाम क्या हो गया, देखिए डीऑक्सीगुआनोसिन। ये जी जब शुगर से जुड़ा तो इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सीगुआनोसिन। ये देखिए अगर आपने यहाँ पर राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर लगाई है तो इसका नाम डीऑक्सीएडेनोसिन है। लेकिन अगर आपको आरएनए बनाना है तो यहाँ शुगर कौन सी हो जाएगी, राइबोज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, राइबोएडेनोसिन हो जाएगा, ये एडेनोसिन हो जाएगा। तो आप देखिए ग्वानिन जो है शुगर से जुड़ा तो इसका नाम हो गया डीऑक्सीएडेनोसिन। और जब ये शुगर ये जो ग्वानिन साइटोसिन जब फास्फेट से जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से आप यहां देखिए, अगर यहां पर टी है तो सामने इसके ए है, यहां ए है तो इसके सामने टी है, ये ऐसे हैं। तो डीएनए में जो सबसे बाहर है
जो बैक बोन बनाता है वो फास्फेट है और ये डीएनए जो है वी सिंगल स्ट्रैंड का है, इसकी जो विड्थ है वो वी सिंगल स्ट्रैंड की है। मैं आपको इसके डिटेल और आगे पढ़ाता हूँ तब आप इसको अच्छे समझ पाएंगे। तो 1953 में जो है डीएनए का एक मॉडल आता है जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल अभी तक के डीएनए की जानकारी का। ये मॉडल वाटसन और क्रिक देते हैं 1953 में, दोनों लोग मिलके, एक फिजिक्स के हैं और मैथमेटिक्स के हैं 1953 में। इनका जो ये डबल हेलिकल मॉडल था डीएनए का, ये मॉडल जो है बेस्ड था, आप इसको फोकस करेंगे, ये बात एनसीईआरटी में है, आपको इसलिए एनसीईआरटी जरूर ध्यान देनी है, चाहे कुछ आए चाहे ना आए, आपको जरूर ध्यान देना है। वाटसन और क्रिक का ये मॉडल 1953 में आया, लेकिन ये मॉडल जो था बेस्ड था एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ रोजालैंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। ये जो रोजालैंड फ्रैंकलिन है ये जो नाम है और मॉरिस विल्किंस है ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डीएनए की एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी किया था और इन्हीं की एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था, ये बात आपको सीखनी है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या कहते हैं वाटसन और क्रिक जो है इस मॉडल में क्या कहते हैं। सबसे पहला कमेंट ही करते हैं कि देखिए, सबसे पहला कमेंट करते हैं द बैकबोन ऑफ डीएनए, सिंपल सी बात समझनी है, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल सा, ज्यादा सोचना नहीं है, शुगर एंड फास्फेट। कौन से शुगर? डीऑक्सीराइबोस शुगर, फास्फेट। आप जान रहे हैं कि जो डीएनए की बैकबोन है वो शुगर और फास्फेट के कारण है। तो सबसे पहले आप ये मतलब समझिए कि शुगर और फास्फेट क्यों लिखा गया है, इसको जब आप समझ जाएंगे धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होंगी। तो डीएनए का बैकबोन मतलब ये हुआ कि जब आप डीएनए बनाते हैं तो ये जो डीएनए की बैकबोन बनाते हैं ये चीज जो है ये शुगर और फास्फेट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये शुगर और फास्फेट का बना है, ये जहां पर मेरी पेन चल रही है ये शुगर और फास्फेट का है, ये मतलब हुआ इस बात का। इसी बात को अगर आप यहां दिखाएं, जो मैं पहले फिगर मैंने बनाया हुआ था कि जब आप डीएनए बनाते हैं तो सबसे बाहर जो है फास्फेट का मॉलिक्यूल है, ये देखिए आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसे ही बनाया हुआ है, सबसे बाहर फास्फेट का मॉलिक्यूल डीएनए में होता है, ये आप ऐसे बना लीजिए, सबसे बाहर फास्फेट है। तो फास्फेट किससे जुड़ा हुआ है? शुगर से जुड़ा हुआ है। अब डीएनए है तो कौन सा शुगर है? डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, तो जितना भी फास्फेट है ये शुगर से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे आप बना दीजिए। पहले इसकी बेसिक बात किया जाए, बना दिया आपने ऐसे, सिंपल सी बात है। तो अगर आपने ये बात बनाई है ये चीज, तो इसको आप बेसिकली ऐसे भी सिखा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये शुगर और फास्फेट है, ये समझना है आपको, सिंपल सी बात समझिए। जब आप कभी इसको फिगर बनाते होंगे तो अगर आपने यहां पर 3' लिखा जाता है, इसे आप प्राइम कहते हैं, तो अगर आप यहां 3' कहते हैं तो इसे आप 5' कहते हैं, और यहां पर जब 3' लिखते हैं उल्टा इसका तो यहां पर आप 5' कहते हैं। इस 3' और 5' का मतलब समझिए, यहां जो 3' है यहां पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और जो 5' है यहां पर फास्फेट ग्रुप, ये जो है फ्री मॉइटीज है, मतलब फ्री ग्रुप है, इसलिए इनको 3' to 5' कहा जाता है। ये देखिए, जैसे ये हाथ है, अगर ये 3' है तो 5' है, ये 3' है तो ये 5' है, ये ऐसे दिखता है डीएनए, उल्टा चलता है, एंटी पैरेलल है। देखिए ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। तो आपको ये समझना है कि जो नाइट्रोजन के बेस है, जो शुगर है, वो फास्फेट से जुड़ी है। और अब आपको ये बात इन्होंने पहली बात कमेंट ली थी कि जो बैकबोन डीएनए का है वो शुगर और फास्फेट का बना हुआ है। दूसरा बात देखिए, दूसरी कमेंट देखिए, फिर वहां देखिए, फिर यहां देखिए, दूसरा कमेंट जो लिखा कि प्यूरीन इज अटैच्ड विद प्यूरीन इज अटैच्ड विद पिरिमिडीन मॉलिक्यूल। आप ये बात, दूसरी बात समझिए कि जितने भी प्यूरीन मॉलिक्यूल हैं सब पिरिमिडीन से जुड़े हुए हैं। तो प्यूरीन में कौन सा था और पिरिमिडीन में कौन सा था? तो प्यूरीन में दो लोग थे, एक एडिनिन था, तो एडिनिन जो है वो थायमिन से डबल हाइड्रोजन बांड से जुड़ा है,
ठीक उसी का उल्टा थायमिन एडमिन से डबल हाइड्रोजन बांड से जुड़ा हुआ है, आपको ये बात समझनी है। तो अगर आप इसमें देखिए तो प्यूरीन क्या है, ये ए है, सिर्फ ए है प्यूरीन, और पिरिमिडीन क्या है, अब चाहे यहां पर लिख लीजिए, पिरिमिडीन है साइटोसिन और थायमिन, पिरिमिडीन प्यूरीन क्या है, एडीन है और ग्वानिन है। तो एडीनिन से थायमिन डबल हाइड्रोजन बांड से, थायमिन से एडीनिन हाइड्रोजन डबल बांड से, ठीक उसी तरह से साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से, और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से जुड़ा है, मतलब एडीनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बांड से, साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से जुड़ा हुआ है। अब इस बात को आप यहां दिखाइए, यहां दिखाइए, अगर आपने यहां पर इस बात को ऐसे बनाया आपने कि देखिए सर यहां पर इस तरफ अगर एडीनिन है इसका मतलब इधर थायमिन और ऐसे जुड़ा है, ये जो आपने लिख लिया उसका मतलब ये यहां पर ये होता है। अगर आपने यहां पर एक ऐसे बार खींचा, एक ऐसे जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो जिस डंडे पे चढ़ते हैं वो बेस पेयर है, मतलब डीएनए में नाइट्रोजन के बेस सिंगल नहीं है, वो हमेशा ये देखिए ये बेस पेयर है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो बेस के पेयर है। तो अगर आपसे कोई पूछे बेस पेयर कौन कौन से हैं, तो बेस पेयर एडेनिन से थायमिन, थायमिन से एडेनिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, बॉन्ड आपको दिख रहा है साफ साफ। तो ये बेस पेयर है जिनको साइट में आप हम लोग बीपी लिखेंगे, डीएनए में ऐसे ही अरेंजमेंट है। ऐसे अगर आपसे मैं कहूं कि अगर आपने यहां पर लिखा कि सुगर से साइटोसिन जुड़ी है तो साइटोसिन के सामने कितना हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, ये जी लगेगा, फिर ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो अगर आपको ये आपने वहां खींचा तो आपको यहां दूसरा ऐसा बार खींचना पड़ेगा। तीसरा देखिए, अगर आपने यहां पर थायमिन लिखा तो आपको यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड लिखना पड़ेगा, और अगर आपको और भी बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। ये देखिए यहां पर एक फास्फेट लिख दीजिए, यहां पर एक फास्फेट लिख दीजिए, एक फास्फेट बस इतना ही पर्याप्त है। यहां पर आप इसे शुगर बना दीजिए, यहां पर आप इसे शुगर बना दीजिए, और फिर आप एक काम करिए, यहां पर अगर आपने जी लिखा तो सामने आपको सी लिखना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए जब मैं इसको सफेद मार्क चाक से लिख रहा हूं तो मैं यहां सफेद डंडे लगा रहा हूं, मतलब इसमें जो ये है ये सुगर फास्फेट है, और इसमें ये जो बार है जैसे सोचिए कि दो ये है ये सुगर फास्फेट है, और इसमें जैसे ये समझिए ये ऐसे है कि ये सुगर फास्फेट है और ये क्या है नाइट्रोजन के बेस है या बेस पेयर है, आपको बोलना चाहिए सर ये बेस पेयर है, बेस नहीं है, क्योंकि अगर ए है तो उसके सामने टी है, सी है तो उसके सामने जी है, टी है तो उसके सामने ए है, जी है तो उसके सामने सी है। इस तरह से आप देखिए कि इन्होंने ये दूसरी बात की कि प्यूरीन के साथ हमेशा पिरिमिडीन जुड़े रहते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर बॉन्ड्स देख लें डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, तो अगर आपको डीएनए में बॉन्ड्स देखने हैं तो ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन का बेस शुगर से, मतलब अगर मैं यहां लिखूं कि नाइट्रोजन का जो बेस है वो शुगर से जो है, नाइट्रोजन का बेस जो शुगर से है वो यन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा है। आप एनसीईआरटी में लाएंगे इसको सीखेंगे, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा है या लिंकेज से जुड़ा है, चाहे तो आप यहां इसको से दिखा दें। ये देखिए यहां अगर आपको दिखाना हो तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये यन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है या बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन का बेस है और ये शुगर है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, याद रखिए इसको। नाइट्रोजन का बेस शुगर से किस बॉन्ड से जुड़ेगा, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, मैंने ये लिख दिया, ये डीएनए का पहला बॉन्ड है। अब ये शुगर किससे जुड़ी है, फास्फेट से, तो अगर आपको शुगर से फास्फेट को जोड़ना है तो आप बॉन्ड देखिए, इस बॉन्ड का नाम है फास्फोएस्टर लिंकेज, ये लिख दीजिए फास्फोएस्टर लिंकेज नाम है इसका। मैं यहां लिख देता हूं कि जो शुगर है जब वो फास्फेट से जुड़ती है, तो वो जो बॉन्ड है उसका नाम फास्फोएस्टर लिंकेज नाम है। और नाइट्रोजन के बेस में कौन से बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बेस की अगर बात किया जाए तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के बॉन्ड है, कौन कौन से हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, आप कहेंगे क्या सर अभी तो बढ़ा रहे हैं, एडेनिन से थायमिन, ये देखिए ये एडेनिन से थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन से ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, यही तो सीख रहे हैं हम लोग ना भाई। तो टोटल बॉन्ड अगर डीएनए में देखा जाए तो ये जो है बॉन्ड, ये बेस के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है,
बेस और शुगर के बीच में जो बांड है वो यंग ग्लाइकोसिडिक बांड है, शुगर और फास्फेट के बीच में जो बांड है वो फास्फोडाइस्टर बांड है। बेटा ये देखिए कि ये फास्फेट शुगर के बीच में फास्फोडाइस्टर बांड है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं, आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर आपसे ये कहूं मैं कि ये जो फास्फेट है ये एक चेन ये है, ये इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एडेनोसिन डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफास्फेट, इसका नाम क्या होगा डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफास्फेट। तो आप ये देखिए ये फास्फेट दो चेन के बीच में है, तो ये देखिए एक चेन ये हो गई और एक चेन हो गई, इस चेन में कौन सा बेस है एडेनिन और इस बेस में कौन सा बेस है साइटोसिन। तो ये जो बांड है ये है 3'-5' फास्फोडाइस्टर बांड, फास्फोडाइस्टर बांड है। आपको ये बांड ध्यान रखना है, मैं इसके बारे में पहले लिख देता हूं आपको डिटेल, मैं यहां पहले वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूं क्योंकि मुझे यही डर है कि आपकी बात समझ में नहीं आएगी। तो देखिए ये बांड है 3'-5' फास्फोडाइस्टर बांड है, मैं पहले पूरा बात लिख देता हूं फास्फोडाइस्टर बांड है। आप ध्यान से वहां देखें और हम मुझे बताएं कि ये तो क्या पूछना चाहता हूं आप इसको देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, मतलब ये 5 स्टार का क्वेश्चन है, आएगा जरूर फिक्स है। तो 3'-5' फास्फोडाइस्टर बांड क्या कर रहा है, ये एक बांड है फास्फोडाइस्टर बांड है जो बांड क्या कर रहा है यहां पे लगा है फास्फेट बीच में। तो ये बांड क्या कर रहा है अगर आप देखें तो ये बांड क्या कर रहा है, ये बांड दो बेस पेयर को जोड़ रहा है, मतलब अगर आप यहां देखें तो ये कौन सा बांड है, ये 3'-5' फास्फोडाइस्टर बांड है। तो अगर आप 3'-5' फास्फोडाइस्टर बांड एक इधर देखते हैं एक इधर देखते हैं तो बेस को कितने जोड़ रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4 मतलब एक फास्फोडाइस्टर बांड दो डाइन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा है, मतलब कनेक्ट डाइन्यूक्लियोटाइड्स। ये देखिए कौन कौन से डाइन्यूक्लियोटाइड्स, इसका पूरा नाम क्या होगा डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफास्फेट डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफास्फेट, और इन दोनों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ये जोड़ रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये फास्फोडाइस्टर बांड होंगे कितने, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बांड होंगे नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बांड होंगे नंबर ऑफ बेस के नहीं होंगे, ये बहुत ही टेक्निकल है आपको ये बात समझनी है, फिर से आप सोच लीजिए फिर से सुन लीजिए। ये जो बॉन्ड है फास्फोडाइस्टर बांड एक बार में कितने बेस पेयर को जोड़ रहा है, बेस को जोड़ रहा है। तो देखिए एक बेस ये है डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफास्फेट, दूसरा बेस है डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफास्फेट, तो ये दो को जोड़ रहा है, मतलब ये बॉन्ड जो है दो बेस पेयर को जोड़ रहा है। ये देखिए मैं इसको गोल कर दे रहा हूं क्योंकि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक और एक फास्फोडाइस्टर बांड दो डाइन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा है, ये देखिए डाइन्यूक्लियोटाइड्स मतलब दो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन को जोड़ रहा है, दो बेस को जोड़ रहा है, दो बेस पेयर को, मतलब ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर फास्फोडाइस्टर बांड कहां पे है, आप कहेंगे सर ये है, तो एक चेन तो ये हो गई और दूसरी चेन ये हो गई, तो एक 3'-5' फास्फोडाइस्टर बांड ने दो बेस पेयर को जोड़ा, दो बेस को जोड़ा है, दो चेन को जोड़ा है, ये बात आपको समझ रही है। आपको दूसरी बात देखनी है कि बैकबोन जो है शुगर फास्फेट की बनी है। अब आप इन्होंने ये कहा, इन्होंने अगली बात ये कही कि आप ये बात देखें कि इन्होंने अगली कमेंट की कि भाई बेस पेयर जो है आपस में कनेक्टेड है। आप यहां पर एक डीएनए का मॉलिक्यूल फिर से देख लीजिए, जब आप डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे मैंने कहा कि ये जो 3' है यहाँ कौन सा ग्रुप है हाइड्रॉक्सिल, ये 5' ग्रुप है तो यहाँ फास्फेट है, ये उल्टा चलते हैं, तो यहाँ 3' होगा तो यहाँ 5' हो जाएगा, ऐसे दिखता है। तो इन्होंने कहा कि या ऐसे लिखते हैं both strands of DNA are arranged in anti-parallel fashion। आप ये बात सीखें anti-parallel fashion, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एंटी पैरेलली अरेंज है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये देखिए आप एक देखिए, अगर मैंने कहा ये 3' है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, या ऐसे लिख सकते हैं कि 3' अगर किसी ने लिखा यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्या है हाइड्रॉक्सिल है, और अगर आपने यहाँ पर 5' लिखा तो
तो इसका मतलब यहाँ पर फ्री ग्रुप कौन सा है, फास्फेट है, तो आपने लिखा यह फाइव प्राइम है। और अगर आपको इस पे नाइट्रोजन का बेस दिया गया हो, जैसे मान लीजिए इस पे नाइट्रोजन के बेस दिए गए हैं, ऐसे लिखे गए हैं, आप लिखिए एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, एडेनिन है, एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, कोई भी आपका जो मन करे आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया आपने। तो इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है वो हाथ के जैसा उल्टा होगा। अगर ये स्ट्रैंड दिया है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है, तो ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है। वो गाना शायद माधुरी वाला मेरे हाथों में वाला चूड़ियां है, तो नौ ना चूड़ियां जरूरत नहीं है, अगर गाना है तो गाना गाओ ना, मेरे हाथों में तीस तीस हड्डियां हैं, इस हाथ में कितनी हड्डियां, तीस है, इस हाथ में कितनी हड्डियां, तीस है, ऐसा गाना गाओ। तो ऐसे भी याद हो जाएगा, मेरे हाथों में तीस तीस हड्डियां, दोनों हाथ में साठ साठ हड्डियां हैं, ऐसे याद करो। तो अगर यहां पर एडेनिन दिया है तो ये देखिए ये पैरेलल हो जाएगा, ये फाइव प्राइम पे इधर क्या होगा फास्फेट होगा, और यहां पर देखिए थ्री प्राइम पे क्या हो जाएगा ओएच ग्रुप हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है, ये थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है, उल्टा चलता है ऐसे जैसे हाथ अरेंज है, ये एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। तो अगर आप देखिए यहां पर एडेनिन है तो यहां पर आप डबल बॉन्ड हाइड्रोजन लगाएंगे और थायमिन लिखेंगे, यहां ग्वानिन है तो आप यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे साइटोसिन लिखेंगे, यहां साइटोसिन है तो यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे जी लिखेंगे, यहां टी है तो सामने ए लिखेंगे। बॉन्ड का पूरा ध्यान रखना है, आप बॉन्ड बनाने में उसी बहुत तेज है, आपका तो कौन कौन सा बांड बनता है बताने लायक नहीं है, पर्दे के पीछे आप बांड बनाते हैं। ये देखिए यहां पर आप टी लिखिए, फिर यहां देखिए टी के सामने आप ए लिखिए, यहां सी के सामने आप जी लिखिए, यहां सी के सामने आप जी लिखिए, यहां जी के सामने आप सी लिखिए, टी के सामने आप ए लिखिए। ये जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है, कॉम्प्लीमेंटरिटी मतलब अगर आपको एक बेस पेयर पता है दूसरा पता हुआ है तो आपकी ये खूबसूरत एनसीईआरटी जो प्यारी दुल्हन से दिखती है, ये देखिए इन्होंने लिखा है कि कॉम्प्लीमेंटरिटी 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 इज द, ध्यान से देखना, इज द हॉलमार्क ऑफ डीएनए, हॉलमार्क ऑफ डीएनए, क्या कहा उसने, हॉलमार्क ऑफ डीएनए। ये देखिए ये डीएनए का हॉलमार्क है, डीएनए का क्या है, हॉलमार्क है। देखिए ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिएगा, एक डायलॉग है याद रखिए, डोंट लेइंग क्या टेंशन वा, क्या बेटा टेंशन वा, टेंशन वा लेने से कुछ नहीं होगा, टेंशन वा देने से कुछ होगा। तो आप देखिए ये बात इस मेडिकल के टिकट ने कहा है कि ये जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी मतलब एक नाइट्रोजन का बेस दिया हुआ है, एक स्टैंड का दिया हुआ है तो दूसरा बेस अपने आप जुड़ जाएगा। अरे भाई ये सोचिए, अगर ये सीढ़ी का एक है, एक तरफ ऐसे डंडे लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ तो जुड़ ही जाएंगे ना यार। तो ये डीएनए की ये हॉलमार्क है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, इसका ध्यान रखना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। फिर देखिए एक और बात देखिए, देखिए दूसरी बात देखिए, द विड्थ ऑफ डीएनए, विड्थ माने चौड़ाई होती है, द विड्थ ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम, याद कर लीजिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं डीएनए की विड्थ जो है 20 एंगस्ट्रॉम है, ये जो विड्थ है 20 एंगस्ट्रॉम है, तो आप कहेंगे क्या सर मजा किया, आपने यही बात तो यहां लिखी है कि ये जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है, एक स्टैंड के फास्फेट से अगले स्टैंड के फास्फेट के बीच की दूरी है। यह बात सीखनी है आपको कि जो इसके डीएनए की चौड़ाई है एक स्टैंड के फास्फेट से अगले स्टैंड के फास्फेट के बीच की दूरी है ये, और इसी स्टैंड को उन लोगों ने मतलब वाटसन और क्रिक ने खोज करके कहा कि ये इसकी लंबाई 20 एंगस्ट्रॉम की है। तो डीएनए की कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या है कि अगर एक स्टैंड दिया गया है उस पर बेस दिया है तो उसका उल्टा दूसरे बेस पे आराम से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पोलैरिटी का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। एक बात मैं आपको और आगे सिखा दूं यहीं पे, जैसे मान लीजिए आपको डीएनए कोई पूछेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, या मैं आप आगे देखिए अब, तो देखिए अब हम आपको डीएनए की, हमने आपको बताया कि डीएनए की ये जो है विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम है। अब इन्होंने जो अगला कांसेप्ट बताया डबल हेलिकल मॉडल में, इन्होंने कहा कि देखिए लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ One helix of DNA is 34 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए 34 एंगस्ट्रॉम, इन्होंने कहा जो लेंथ है इसकी 34 एंगस्ट्रॉम है, ये देखिए 34 एंगस्ट्रॉम है। आप इसकी लेंथ के बारे में समझें कि डीएनए की एक हेलिक्स में दो हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब ये डीएनए की हेलिक्स है जो मैं घुमा के आपको दिखा रहा हूं,
मतलब जैसे आर्ट होता है, आप ऐसे इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे आर्ट होता है तो ये तो दो ओ से बनता है, जब दो ओ इकट्ठा होते हैं तो एक आर्ट बनता है। इसलिए मॉडल का नाम देखिए डबल हेलिकल मॉडल है। तो डबल हेलिकल मॉडल में एक हेलिक्स की जो लंबाई है ये 34 एंगस्ट्रॉम है। मतलब अगर हम यहां से इसको मिटा दें, सिर्फ एक ही देखें, तो ये देखिए यहां से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक, ये अगर आपको वहां डल लग रहा है तो ऊपर छोड़ दीजिए, आप यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए यहां तक। अगर आप ध्यान से देखें तो एक हेलिक्स ये है और एक हेलिक्स ये है, इन दो हेलिक्स को मिला के एक हेलिक्स, ये दो हेलिकल स्ट्रक्चर है, इनको मिला के एक हेलिक्स कहा जाता है। फिर इन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इज क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम है, जिसमें जो क्वाइलिंग है 360 डिग्री की क्वाइलिंग है। मतलब इस एक हेलिक्स में डीएनए की जो क्वाइलिंग है वो 360 डिग्री क्वाइलिंग है। मतलब यहां से यहां तक डीएनए 360 क्वाइलिंग हो जाती है। आपके पेन होगी घर में, अगर आपके जिस पेन से आप पीछे पीछे ऐसे करते हैं उसमें देखिए ऐसे स्प्रिंग क्वाइल की रहती है, इस तरह से डीएनए होता है। स्प्रिंग ऐसे क्वाइल जब आप पेन को दबाते हैं तो स्प्रिंग ऐसे चिपक जाती है, पेन बाहर जाती है, फिर आप क्रूज करते हैं तो बाहर जाती है। तो एक हेलिक्स की क्वाइलिंग 360 डिग्री है। तो इन्होंने कहा कि एक हेलिक्स की लंबाई जो है 360 डिग्री है। फिर उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ फेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर, बेस पेयर इन ईच हेलिक्स, इन ईच हेलिक्स, अगर आप एक हेलिक्स पे बेस पेयर की संख्या देखें तो ये 10 बेस पेयर हैं, मतलब 20 बेस, इसका मतलब ये हुआ। मतलब अगर आपने ये बात सीखी कि अगर आपने यहां पर एक पिन खींची, ये सीखिए थे एक बेस पेयर हो गया, इसका मतलब अगर आपने ऐसे खींचा तो दो बेस पेयर हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, जिसकी पांचवी कॉइलिंग छिप जाती है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी भी आप एक हेलिकल स्ट्रक्चर में अगर आपने ये खींचा, एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, तीन बेस पेयर, चार बेस पेयर, कितनी बार 36 डिग्री कॉलिंग हुई, चार बार। जब पांचवी बार कॉलिंग होती है तो छिप जाती है। मतलब आपको यहां पर चार डंडे ही बनाने हैं, पांचवी छिप हुई है। फिर देखिए एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, तीन बेस पेयर, चार, पांचवा फिर छिप गया, पीछे चला गया। इसी तरह से देखिए एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, तीन बेस पेयर, चार बेस पेयर, पांचवा छिप गया, फिर एक, फिर दो, तीन, चार, पांचवा छिप गया, फिर एक, दो, तीन और चार। मतलब आपको एक हेल के स्ट्रक्चर में चार बेस पेयर खींचने हैं, चार डंडे खींचने हैं, क्योंकि पांचवा 36 जब पांचवी कॉलिंग होती है तो वो बेस पेयर पीछे की तरफ जा सकता है, जो सामने से दिखता नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक हेल के स्ट्रक्चर में कितने डंडे खींचने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें चार डंडे आपको खींचने हैं। तो अगर आपसे इसकी लंबाई पूछी जाए तो आप कहेंगे सर इसकी लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रॉम है। एक बेस पेयर से अगले बेस, अब ये इस डंडे का मतलब क्या है, ये जो डंडा है इस डंडे का मतलब है या तो यहां पर एडेनिन से थायमिन जुड़ा है, या थायमिन से एडेनिन जुड़ा है, या साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ा है, या ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा है, ये इसका मतलब हुआ। तो इन्होंने कहा कि अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, डीएनए के बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या कहेंगे सर, ये देखिए इसका निकालना होगा, तो आप कहेंगे सर लेंथ ऑफ हेलिक्स जो है, लेंथ ऑफ हेलिक्स, लेंथ ऑफ हेलिक्स, लेंथ ऑफ हेलिक्स अपॉन नंबर ऑफ बेस पेयर। तो हेलिक्स की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर कितने हैं, 10 बेस पेयर। इस तरह से अगर आप देखिए तो एक बेस पेयर से अगले बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। मतलब ये एक बेस पेयर से अगले बेस पेयर की दूरी दी गई है, ये इसका मतलब हुआ। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जैसे क्वेश्चन कोई पूछे आपसे कि बताइए भाई ह्यूमन में, ह्यूमन में, ह्यूमन में 2n बराबर बेस पेयर है 6.6 इंटू 10^9 बेस पेयर है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, और आपको ये बताना है कि इसमें 3' to 5' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं। तो आप कहेंगे सर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी जितना बेस पेयर होता है उतने बॉन्ड होते हैं, क्योंकि एक इतने बॉन्ड है, जितने बेस पेयर उतने बॉन्ड, लेकिन जितना बेस है उसका आधा बॉन्ड होगा, क्योंकि एक बॉन्ड दो बेस जो है जोड़ते हैं, दो बेस जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना।